चलिए रुक बड़ी खबर की ओर करते हैं। तो आपको बता दें कि इनेलो में जी हां अजय चौटाला ने बैठक बुलाई है 17 नवंबर को, जिसमें सभी को निमंत्रण पत्र दिया गया है। तो कार्यकारिणी की यह बैठक है, इनेलो महामंत्री अजय चौटाला ने यह बैठक बुलाई है। अजय चौटाला ने एमपी एमएलए और पदाधिकारियों को न्योता भी भेजा है। तो 17 नवंबर को इनेलो की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें आखिरी फैसला लिया जाएगा। जिस तरीके से दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निकाला गया है, तो आखिरी फैसला 17 नवंबर को जींद में देखने को मिलेगा। तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, इनेलो महामंत्री अजय चौटाला ने यह बैठक बुलाई है, निमंत्रण दिया गया है। तो अजय चौटाला ने एमपी एमएलए और पदाधिकारियों को न्योता भेजा है। 17 नवंबर को इनेलो की प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक होगी। साथ ही आपको बता दें कि मामले को सुलझाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे इनपुट एडिटर जो हैं सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, क्या कुछ इस बैठक से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वाकई ये जो वार और पलटवार का सिलसिला है, वाद और विवाद का सिलसिला है, ये थमेगा जिस तरीके से निमंत्रण पत्र सामने आया है? देखिए, अभी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तो प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो मामले को सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले दिनों भी जो है जिस तरीके से ये था कि अभय चौटाला की मुलाकात होनी थी अजय सिंह चौटाला से, वो नहीं हो पाई थी, लेकिन कल रविवार के दिन जो अजय सिंह चौटाला से मिले थे अभय सिंह चौटाला, और लंबी बातचीत हुई है। लेकिन बातचीत में यही निकल कर आया है कि अभी तक की उनकी पारिवारिक बात हुई है, और वो लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि परिवार में कोई जो है मतभेद नहीं है, परिवार एक है, लेकिन विचारधारा में अंतर आ गया है, जो राजनीतिक विचारधारा है उसमें अंतर आ गया है। तो इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि कल ये बात हुई थी कि दोनों भाई मिले हैं, तो हो सकता है कि कुछ सुलह की गुंजाइश आगे बढ़ी हो, लेकिन आज जिस तरीके से ये पत्र जारी किया गया है, 17 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अजय सिंह चौटाला ने पार्टी के महामंत्री की हैसियत से बुलाई है, और उन्होंने कहा है कि सारे जो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, और जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं पार्टी के, और जो भी आमंत्रित सदस्य हैं, उन सबको उस बैठक में बुलाया है। एक ये भी सूत्रों से खबर पता चल रही कि हो सकता है कि अगर इनेलो महासचिव ने इस तरह की बैठक बुलाई है, उसमें अगर लोग नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई